बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया से स्मार्टो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ने पेपर शुरू किया था विलेज सेक्रेटरी का, ईटा के जरिए 22/11/2020 को भी पेपर हो चुका है और आज इसका आखिरी पार्ट है। 5 पार्ट पहले हो चुके हैं और आज पार्ट 6 आखिरी पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 से। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास है दिस वन, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन काफी मुश्किल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 78, 79 और 80 तीन क्वेश्चन को मैं स्किप कर लेता हूं। वैसे भी ये मुश्किल है, अगर मैं इसको हल करना शुरू करूं तो पूरी वीडियो इसी एक क्वेश्चन पर गुजरेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट टाइल टाइटल एंड बुलेट्स, तो वो व्यू है आउटलाइन व्यू। पावर पॉइंट की वो व्यू जो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट टाइटल और बुलेट्स नजर आते हैं, ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 82 देखे, अ ब्लैंक स्पेस है इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट्स, ऑप्शन सी 5 स्लाइड्स पर पेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 83 देखे, 83 नंबर क्वेश्चन को, ब्लैंक स्पेस से इंक्लूड स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखे, 84 नंबर क्वेश्चन को, 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, अब इशारे के बाद देखे कितने से 2 और 3 5, तो इशारे के बाद 5 इंच से आने चाहिए, ऑप्शन डी को देखे 0.0006। और क्वेश्चन नंबर 85 को देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, 3 ये मल्टीप्लाइड 7/2, कहते कि इसमें कौन सी ला इस्तेमाल हुई है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला इस्तेमाल हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, इफ यू आर इन अ डार्क रूम विद अ कैंडल अ वुड स्टोव एंड अ गैस लैम्प, यू हैव ओनली 1 मैच, सो व्हाट वुड यू लाइट फर्स्ट, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, माचिस पहले जलाना पड़ेगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, तो इसमें कहते हैं कि करेक्ट वॉइस इसमें देखिए ऑप्शन सी को, The instructions were being read out by the invigilator. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, I said to him, why are you working so hard? Choose the correct narration. ऑप्शन सी इसमें देखिए, I asked him why he was working so hard. और क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द रेसिंग कार आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फिंस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, ब्लू अप ऑप्शन ए आएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, इट इज अ फैंसी रेस्टोरेंट वी हैव टू ड्रेस अप, ऑप्शन सी आएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 91 देखे, वी हैंग आउट फ्रॉम आवर वेकेशन लास्ट वीक, ऑप्शन सी आएगा इसमें। और 92 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों,
इट वॉज सच अ डिलिकेट सिचुएशन, नाजक, फ्रेगाइल, ऑप्शन डी आएगा इसमें। करेक्ट मीनिंग ऑफ द लाइन उसको देखना है। और क्वेश्चन नंबर 93 देखे, इन जून 2020 यूनाइटेड नेशन डायरेक्टेड फर्दर प्रॉब इनटू मास ग्रेव फाउंड इन लीबिया, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 94 देखे, इसमें ऑप्शन सी, F7 फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पिलर। और 95 नंबर क्वेश्चन को देखे, 95, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है। 96 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों, यहां से देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस सेक्शन डजंट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट एनिमेशन सेक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 97 नंबर क्वेश्चन को देखे, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड ब्लैंक फ्रॉम एग्जिस्टिंग और डिजाइन, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 98 देखे दोस्तों जरा, क्वेश्चन नंबर 98, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% ऑफ गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, 40 स्टूडेंट है एक क्लास में, 20 जो है 20% उसमें लड़कियां हैं, तो पहले क्या करना है, 40 का 20% निकालना है, 40 का 20% निकालना है, तो 40 को आपने जरब देना है 20/100 से, 20/100। तो ये देखिए दोनों जीरो जीरो जो है ना ये क्रॉस हो गए, ये जीरो इसके साथ क्रॉस हो गया, ये जीरो इसके साथ क्रॉस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 8। इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब है 8 लड़कियां हैं और 32 लड़के हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स अगर -1 है तो इसका आंसर क्या होगा, इसको खुद हल करें, इसका आंसर 7 आएगा, ऑप्शन ए है। और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन मूविंग नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर एंड विंड इज ब्लोइंग सो डेट, यहां पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, बिजली पे चलने वाली ट्रेन, वो 100 मीटर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रही है और हवा की रफ्तार भी उसके अपोजिट से है, तो उसका धुआं किधर जाएगा, ये याद रखे, इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होता, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया, वीडियो भी कंप्लीट हो गई, जिन दोस्तों को पसंद आई समझ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।